Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Mock Zone MA Preparation. So guys, today's video is going to be extremely important for those who are preparing for SNAP 2022 exam, because in this video, I'm going to discuss one actual reasoning question that has been asked in SNAP. So guys, ये questions आपको काफी help मिलने वाली, because आपको एक idea लग जाएगा. जल्दी से guys video को like कर दो, like कर इस video ऊपर आ जाता है, काफी लोग help हो जाएगी, and subscribe जरूर कर दो, because हम लोग के YouTube channel पे कम से कम 200 से ज्यादा कंटेंट बेस्ड वीडियोस है जो आपको बहुत हेल्प करेंगे प्रिपरेशन में. अपार्ट फ्रॉम दैट वी आल्सो मेक स्ट्रेटजी बेस्ड एज वेल एज नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियोस, तो आपका अवेयरनेस बढ़ेगी. चलो गाइस स्टार्ट कर लेते हैं, कर दो लाइक एंड सब्सक्राइब. गाइस हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप है स्नैप, उसको आप जरूर ज्वाइन करना. आप सर्च करोगे टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा, करीब 5000 मेंबर्स हैं इसमें, और यहाँ पे आप एड्रेस भी इसका नीचे दिया रहेगा लिंक. ठीक है गाइस, हम लोग का फ्री स्नैप हो गया, आप चाहो तो दे सकते हो. ठीक है, काफी रेलिवेंट है और लेटेस्ट पैटर्न पे है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर विच रिप्लेसेस द क्वेश्चन मार्क. तो गाइस ये क्वेश्चन एलआर में आया था स्नैप में. आपको ये क्वेश्चन देख के थोड़ा डर लग रहा होगा, कितने सारे नंबर्स दिए हैं और आपको ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है. तो गाइस स्टार्टिंग जब क्वेश्चन देखो, क्योंकि स्नैप में क्या है ना कि टाइम कम मिलता है, तो आपको बहुत टाइम नहीं लगाना होता है. तो आप जब पहली रो देखोगे तो आप क्या सोचोगे, आपके दिमाग में क्या आएगा? 4 3 2 देख के आपके दिमाग में आएगा 4 और 2 का सम लेके बाई 2 किया गया है. ठीक है, या फिर ये भी सोच सकते हो कि 4 प्लस 2 का एवरेज लिया गया है. तो मतलब इधर से 4 प्लस 2 बाई 2 करा तो हमारा 3 आ गया. अब इसी तरह इसको चेक करो, मिडिल टर्म मतलब 3 क्या है इन दोनों का मिडिल टर्म है, इसी तरह 5 क्या है इन बाकी लोगों का मिडिल टर्म है. तो ये जो मिडिल में 5 है ये कैसे आया होगा, चेक करें देखें. बाकी टर्म्स को ऐड करो, 5 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 1 ये आया 10. तो 10 बाई 2 हमारा 5 आ रहा है. यहाँ पे 4 प्लस 2 बाई 2 हुआ 3, यहाँ पे 10 बाई 2 5 हुआ. अब इसको भी चेक कर लो, 6 प्लस 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 बाई 2 8 हुआ. गैस कंफर्म हो गया कि मिडिल नंबर इज इक्वल टू द हाफ ऑफ सम ऑफ ऑल अदर नंबर्स. ठीक है, यहां पे मेरा क्या हो जाएगा, 9 प्लस 3 बाई 2 6 आंसर आ गया, 6 आ गया आंसर. गैस देखने में टफ लग रहा था, बड़ा पहले क्वेश्चन देख, पहला रो देख के आपको थोड़ा आइडिया लगेगा, फिर आप सेकंड रो से चेक कर सकते हो कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है. और थर्ड रो को चेक करने की एक्चुअली जरूरत नहीं है. ठीक है, थर्ड से अच्छा फोर चेक कर लेना, करना हो तो. ठीक है, तो गाइस ये कोई अच्छा क्वेश्चन था. ऐसा क्वेश्चन आपको जरूरी नहीं कि स्नैप में फिर से मिले, बट बाकी नॉन का एग्जाम में मिल सकता है, और इवन स्नैप में भी इसी टाइप का कुछ कंसेप्ट पे आ सकता है क्वेश्चन. ऑब्वियसली मैं गाइस पास पेपर्स करोगे तो कोई कॉन्फिडेंस तो आता ही है. ठीक है, तो गाइस आई गेस अच्छा लगा होगा. गाइस टाइम कम है स्नैप में, करीब 1.5 से 1.5 महीना करीब मान लो आप, जिन लोग को फर्स्ट अटेम्प्ट देना. ठीक है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में तैयारी करो. ठीक है, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ स्ट्रक्चरल कोर्स फॉर स्नैप, क्योंकि वैरायटी इंपॉर्टेंट होती है, देन यू कैन चेक आउट अवर कोर्स. काफी बार डिटेल्स बता चुका हूँ, लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है, सब कुछ कवर्ड है. अभी दिवाली ऑफर चल रहा है, इसलिए फ्लैट 500 ऑफ है अपने GDPI कोर्स के साथ. तो ये जो कोर्स है हमारा स्नैप का पूरा कंप्लीट कोर्स, लाइव क्लासेस फॉर ईच एंड एवरी सेक्शन, डिटेल में सब कुछ कवर्ड है. 550 टॉपिक टेस्ट, 15 स्नैप बॉक्स एंड कंप्लीट GDPI प्रिपरेशन. GDPI में हम लोग का आंसर वगैरह पूरा प्रिपेयर कराया जाता है, और आपका जूम पे GDMPI होता है. ठीक है, इसकी बाद में अलग से कॉस्ट कम से कम 2.5 से 3 हज़ार रुपये होती है. ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर में करोगे तो निकल जाएगा एग्जाम, क्योंकि हम लोग कराते हैं काफी डिटेल मैनर में सब चीज़ें. ठीक है, हम लोग की क्लासेस काफी डिटेल्ड होती है. बाकी डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप प्रोशर रिव्यूज वगैरह के. अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग का महासेल चल रहा है दिवाली का मॉक्स का, 12 NMAT प्लस 15 स्नैप के मॉक्स, वैसे 2000 के थे, 26 तक 1699 के हैं, काफी रिलेवेंट है, क्लोजेस्ट मॉक है, लेकिन विजिट mockzone.in/snap वहाँ मिल जाएगा आपको. ठीक है, बाकी गाइस हम लोग के लास्ट रिजल्ट देख सकते हो आप, कन्वर्ट से कॉल्स और ज्यादा ही. ठीक है, आपको रिजल्ट दिखी जाएंगे. ये हम लोग का सीमेंट का बैच है, आप देख सकते हो. ठीक है, इंक्वायरी करनी तो इंक्वायरी कर सकते हो, 12 तारीख से स्टार्ट हुआ है. चलो बाकी रिव्यूज डिटेल्स हैं ये सब. ठीक है, चलो गाइस, सो दिस वाज ऑल अबाउट वीडियो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय. ये नंबर यू कैन व्हाट्सएप एट दिस नंबर फॉर इंक्वायरी और फॉर एनी काइंड ऑफ गाइडेंस. चलो गाइस बाय.